अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, जिसे IS फंक्शन यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वालिटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम आज के लेक्चर में समझेंगे। और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को हम जो समझने वाले हैं आज के लेक्चर में, वो हम उसका क्लासिकल वर्जन पढ़ेंगे। इस थ्योरी को आप द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वालिटी से भी रिप्रेजेंट की जाती है। सबसे पहले तो बात यह आती है कि गुड्स मार्केट कब इक्विलिब्रियम पे होती है, और इसका बिल्कुल सिंपल आंसर ये है कि जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो सिंपल, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इक्वल होगी उसके सप्लाई की, जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है उतनी ही डिमांड होगी, देन एट दिस पॉइंट हम कहेंगे कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम पर है। ये बात तो क्लियर हो गई, बट एक चीज जो हमें कंफ्यूज कर सकती है वो ये कि हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को किस तरह इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वालिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वालिटी दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम एक स्मॉल सी डेरिवेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल बात जो अभी हमने करी कि गुड्स मार्केट इज इक्विलिब्रियम व्हेन सप्लाई ऑफ गुड्स इज इक्वल टू डिमांड ऑफ गुड्स। गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हम अपनी इस वीडियो में क्लोज इकोनॉमी को लेकर चल रहे हैं। क्लोज इकोनॉमी में हमारे पास थ्री सेक्टर इकोनॉमी आती है, जिसमें हमारी एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट करती है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर। तो क्योंकि हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को क्लोज इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, तो हमारी सप्लाई इक्वल होगी, हमारी डिमांड इक्वल होगी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के। नाउ इस इक्वालिटी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम इनकम में से माइनस कर दें कंजम्पशन और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को, इट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप गौर करें तो आपको एक बात पता चलेगी कि अगर आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को माइनस कर देते हैं, अगर हम नेशनल इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, वो एक्सपेंडिचर्स जो कंज्यूमर कर रहे हैं और वो एक्सपेंडिचर्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाती है नेशनल सेविंग। तो हम वाई में से जब सी और जी को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग। हमने इनकम में से बेसिकली हमने नेशनल इनकम में से नेशनल एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास सेविंग आ गई, वो पार्ट आ गया जो इकोनॉमी सेव कर रही है, एंड इट बिकम्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी से निकल के आती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को हम इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वालिटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो सेविंग हमारी क्या है? जब लोग अपनी इनकम का वो पार्ट जो स्पेंड कर रहे हैं उसको माइनस कर देते हैं, तो वो पार्ट आ जाता है जो वो सेव कर रहे होते हैं। एंड सेविंग कैन बी लोन्ड आउट टू बी यूज्ड एज कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इंडिविजुअल सेव कर रहा है, सेविंग कर रहा है, तो उसको उस पर उसको क्या रिटर्न मिलेगा, क्या इंसेंटिव होगा कि उसको उस पर कुछ उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा, जिसे हम उसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। और वो उसकी सेविंग बेसिकली हम कहते हैं कि इकोनॉमी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सप्लाई कर रहे होते हैं लोन, और एक वो जो डिमांड कर रहे होते हैं लोन। वो लोग जो सप्लाई कर रहे होते हैं, जिनको उनको हम कहते हैं सेवर्स, वो सेविंग कर रहे होते हैं, अपने कैपिटल को सप्लाई कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं लोन की, जो डिमांड कर रहे होते हैं कैपिटल की, उनको हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। तो इकोनॉमी में कुछ सप्लायर्स ऑफ लोन होते हैं और कुछ डिमांडर्स फॉर लोन होते हैं, और जब सप्लाई इक्वल हो जाती है डिमांड के, तो उस पॉइंट पे जो हमारा डिटरमिन होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। यानी
इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे डिमांड फॉर लोन एंड सप्लाई ऑफ लोन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो क्योंकि हम गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को इन्वेस्टमेंट सेविंग इक्वालिटी से अभी अब रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वालिटी विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट चेंज हो रही होती है, इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट सेविंग का इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से चेंज हो रहा होता है, तो इसी वजह से हम अपने आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि किस तरह गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा चेंज होता है विद द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। अब हम सेविंग इन्वेस्टमेंट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि किस तरह हम इसकी इक्वालिटी को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट को एक ग्राफ में प्लॉट किया है जिसके वर्टिकल एक्सिस पे हमने इंटरेस्ट रेट लिया है। इंटरेस्ट रेट वो रेट है जो कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कॉमन है, यानी हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती हैं। सेविंग हमारी इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिवली रिलेटेड है, यानी जब रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होता है तो इंडिविजुअल्स सेविंग करना ज़्यादा कर देते हैं, जो कि हमने अपनी सेविंग की वीडियो में भी समझा कि क्योंकि जब एक इंडिविजुअल सेव करता है तो उस पर उसको कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न उसे मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि वो सेव करे। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट एज अ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल के लिए उसको लोन की ज़रूरत पड़ती है, और जब इन्वेस्टर लोन के लिए जाता है तो उसको लोन लेने पर कुछ रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है, कुछ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है जो कि उसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है। तो जितनी हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी उतना ही कम इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा, डिस्करेज होगा वो, और जितनी कम जो है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी वो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, इसी वजह से हमने इन्वेस्टमेंट कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ किया है। सेविंग का इंटरेस्ट रेट के साथ क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इस वजह से हमने सेविंग कर्व को पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ड्रॉ किया है। अब जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग की इक्वालिटी डिटरमिन हो रही है वहां जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। अब अगर फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल अपनी लेते हैं कि इकोनॉमी की जीडीपी लेवल इंक्रीज हो गया, एक चीज़ यहाँ पे मैं और बता दूँ कि मैंने यहाँ पे सेविंग के साथ ब्रैकेट में Y1 इस वजह से लिखा है क्योंकि ये सेविंग विद द फिक्स लेवल ऑफ इनकम हमने प्लॉट करी है। अगर इनकम लेवल चेंज होगा, इकोनॉमी के नेशनल इनकम चेंज होगी, तो आपका सेविंग कर्व भी शिफ्ट करेगा, क्योंकि सेविंग इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। जब इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो इंडिविजुअल्स जो है वो इनकरेज होते हैं कि वो सेव ज़्यादा करें। अब जब हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इकोनॉमी की जीडीपी लेवल नेशनल इनकम लेवल इंक्रीज़ हो गया, अब अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो गई, इकोनॉमी की जीडीपी इंक्रीज हो गई, तो क्योंकि हमारी सेविंग पॉजिटिवली रिलेटेड है इनकम से, तो इनकम नेशनल इनकम के इंक्रीज होने की वजह से हमारा सेविंग कर्व शिफ्ट होगा राइटवर्ड लाइक दिस। सेविंग कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब जो न्यू इक्वालिटी, न्यू इक्विलिब्रियम हमारा डिटरमिन हो रहा है वो लो लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट पे डिटरमिन हो रहा है। और हमारा इंटरेस्ट रेट क्यों डिक्रीज हुआ, क्या आपने गौर किया कि सेविंग के इंक्रीज होने की वजह से हमारा इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट अब लो रेट पे डिटरमिन हुआ है? ये इस वजह से कि सेविंग इज बेसिकली सप्लाई ऑफ लोन, सेविंग रिप्रेजेंट करती है सप्लाई ऑफ लोन को, और जब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसका रेट, उसकी प्राइस डिक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि सप्लाई ऑफ लोन इकोनॉमी में इंक्रीज हो गई है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स अब अपने लोन, अपने फंड्स को सप्लाई कर रहे हैं, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ लोन ज़्यादा होने की वजह से अब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का डिक्रीज हो गया है।
इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिमांड ऑफ लोन को, वो लोग जो डिमांड कर रहे होते हैं लोन की। डिमांड ऑफ लोन अपनी जगह पे थी, सप्लाई ऑफ लोन इंक्रीज हो गई है। इक्वेलिटी के लिए ज़रूरी है कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो आप अपने कर्व्स पे मूवमेंट करेंगे। फर्स्ट जब आपका कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। आपकी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह पर है जबकि सेविंग इंक्रीज हो गई है, सप्लाई ऑफ लोन इंक्रीज हो गया है, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है। आपकी कैपिटल मार्केट, गुड्स मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में चली गई है। इसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए इंटरेस्ट रेट एडजस्ट होगा, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा इकोनॉमी में। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो सेविंग कर्व पे आप बैकवर्ड मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो कुछ सेवर्स जो हैं वो डिस्करेज होंगे सेव करने पे, और आप सेविंग कर्व पे बैकवर्ड मूवमेंट करेंगे। जबकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी, तो इन्वेस्टर्स इनकरेज होंगे टू इन्वेस्ट मोर, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट कर्व पे फॉरवर्ड मूव करेंगे। और इस तरह इन इस मूवमेंट की वजह से न्यू इक्विलिब्रियम डिटरमिन हो जाएगा आपका इस पॉइंट पे, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे की इक्वल है। तो इंटरेस्ट रेट जब तक एडजस्ट होता रहेगा जब तक आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाएगी। अब हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, दो इक्विलिब्रियम आ गया है। अब हम अपना IS कर्व ड्रॉ कर सकते हैं ईजीली। IS कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम अपने वर्टिकल एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट लेंगे और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पे हम लेंगे Y, जो इनकम लेवल। सो बेसिकली IS कर्व इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट दैट क्लियर्स द कैपिटल मार्केट। यानी हम वो कॉम्बिनेशन लेंगे इंटरेस्ट रेट और आउटपुट का जो कैपिटल मार्केट को, गुड्स मार्केट को क्लियर कर रहा होगा। यानी फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आएगा वो ये कॉम्बिनेशन होगा जब R1 इंटरेस्ट रेट पे आपकी मार्केट जो है वो क्लियर हो रही होगी। आउटपुट लेवल इज सेम, आउटपुट लेवल इज Y1 एंड R1। सेकेंड हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा E2, जो सेकेंड आपका इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है जिस पे सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वेलिटी शो हो रही है। इसको भी हम इस तरह आगे लेकर जाएंगे और ये न्यू R2 इंटरेस्ट रेट पे अब जो हमारे पास इनकम लेवल आएगा वो Y2 आएगा, क्योंकि पहली इक्वेलिटी Y1 इंटरेस्ट रेट Y1 लेवल ऑफ इनकम पे हो रही थी और सेकेंड इक्वेलिटी हमारी Y2 इनकम लेवल पे हो रही है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो कर्व आएगा उस कर्व को हम कहते हैं IS कर्व। इसको हम IS कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये IS कर्व डिटर्मिन हुआ है इन्वेस्टमेंट सेविंग की इक्वेलिटी से। सो IS कर्व इज बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम लेवल और द लेवल ऑफ आउटपुट डेट क्लियर्स द कैपिटल और गुड मार्केट। कैपिटल मार्केट मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये वो मार्केट है जहाँ सेवर्स जो हैं वो अपनी सेविंग को कैपिटल मार्केट में करते हैं सेव, और वो सेविंग यूटिलाइज होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, फॉर कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट, तो उसको आप कैपिटल मार्केट भी कहते हैं। तो ये हमारी आज का लेक्चर था जिसमें हमने डेरिवेशन की मदद से और ग्राफ की मदद से सेविंग इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को समझा और उसके थ्रू हमने अपना IS कर्व ड्रॉ किया। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ का भी लिंक मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।